नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आपको जैसा पता है कि सिक्स क्लास के मैथ्स का आप इस पे अध्ययन करते हैं, मैं आपको सिक्स क्लास का मैथ पढ़ाता हूँ और भी दूसरे विषयों को पढ़ाता हूँ, लेकिन आज के इस क्लास में सिर्फ मैथ होना है। तो प्रश्नावली 1.2 है और क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 6 है। क्या है प्रश्न? एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है, तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कुल कितने पेंच बनाए? अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक मशीन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है, पेंच लगाने वाला, तो वो जनवरी के महीने में 2006 के जनवरी के महीने में उस मशीन द्वारा एक महीने में कितना पेंच बनाया गया होगा? आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये जनवरी 2006 लिख दिया है कि आप जनवरी 2006 में कितना बनाया, आप कंफ्यूज हो जाएं। और आपको एक हिंट्स भी है। क्या हिंट्स है? तो साधारण सा हमको क्या करना है कि ये जो 2825 है इसमें से हम गुना कर देंगे कितना से, 31 से। 31 से गुना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जनवरी महीना 31 का होता है, तो हम 31 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2825 इतना ही आना है। अब इस 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, 5 तिया 15 का 5 हाथ में रह गया कितना, 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, उसके बाद 8 तिया 24 के 4 हाथ में रह गया कितना, 2, और 3 दूनी 6 और 2 8। और अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ये 5 हो गया, 5 और ये 2 मिलके 7 हो गया, और ये 8 और 7 कितना हो गया, 15 का 5 हाथ में रह गया 1 2 1 3 और 4 3 7 और फिर ये 8। तो अब ये टोटल कितना हो गया, कुल कितने पेंच बने? तो 87,575 कुल पेंच बनाए गए। चलिए, हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या किए हैं। जब एक मशीन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है तो जनवरी महीना 2006 का हो या 2021 का हो, 31 दिनों का ही जनवरी का महीना होना है। तो जनवरी 2006 में पूछ रहा है तो जनवरी 31 दिनों का है, तो 31 दिनों से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है, तो जो गुणनफल आएगा वो हमारा क्या होगा, कुल पेंच बनाए गए, इतने ही पेंच बनाए गए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और अगर आप इस क्लास का इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। इस चैनल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस चैनल का लिंक दिया हुआ है, या फिर अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे AMS स्पोकन गुरु लिख के तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप ट्रांसलेशन सीख सकते हैं, ग्रामर सीख सकते हैं और सिक्स क्लास का इंग्लिश भी सीख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।